हेलो गाइस, हमारे नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल रहस्य के लिए बाहर की व्लॉग के साथ आज हमारा व्लॉग है जयपुर राजस्थान का, खाटू श्याम का। जय श्री श्याम। ये देखो गाइस, पब्लिक खड़ी हुई है। हाँ, बना लो बना लो, हमारी बर्बादी का बिल्कुल भाई। ना हम किसी को लेने आए हैं, ना किसी को छोड़ने आए हैं। हम कहीं जा रहे हैं और हम कहीं जा रहे हैं। एक्चुअली हमको जाना था जयपुर राजस्थान, खाटू श्याम बाबा के हम लोगों का मीटिंग था, तो हम लोगों का ट्रेन हो गया मिस। अब हम लोग कर रहे हैं इंतजार, नेक्स्ट ट्रेन आएगी तब उससे जाएंगे। तो गाइस, हमारी ट्रेन भोपाल से निकल चुकी है। ये देखिए चेहरे पे इनका कैसा रिएक्शन है। देखिए एक ये बेटा, ये देखिए हम लोग जयपुर पहुंच चुके हैं। ये हम हैं, ये हमारी टीम है और ये हमारे कैप्टन हैं। बोलो जय श्री श्याम। 16 आवर का लगभग सफ़र हो गया है, तो हम लोग जयपुर पहुंच चुके हैं। जयपुर पहुँच और हमारे बाउंसर को थोड़ा पेट गड़बड़ हो रहा है, तो उसके लिए एक कॉम्प्लेक्स ढूंढ रहे हैं। बाउंसर कहाँ गया भैया हमारा? जयपुर रेलवे स्टेशन। तो गाइस, हमारा ग्रुप का पता नहीं कहाँ हो गया, 2 घंटे से हम लोग ऐसे ही भटक रहे हैं। हमारा ग्रुप पता, ओ भाई ये रहा हमारा ग्रुप, ये रहा ये रहा ये रहा, ये देखो ये रहा हमारा ग्रुप। कहाँ निकल गए थे भाई लोग, 2 घंटे से हम लोग ढूंढ रहे थे आप लोगों। तो भाई लोग, ये रहा हमारा ग्रुप। बोलो जय श्री श्याम। बोलो खाटू श्याम बाबा की। ये देखिए जयपुर रेलवे स्टेशन, देखिए भाई हमारे देश की आन बान शान, इंडिया का फ्लैग। तो भूल ही गया मैं।
हो जाओ, खड़े हो भैया, बाद में बनाना भैया, मेरे को सवारी बिठानी है भैया आगे। कहाँ पहुंच गए? रिंगस पहुंच चुके हैं, बस यहाँ से खाटू बाबा 18 किलोमीटर दूर है। तो भोपाल की पब्लिक क्या बोलती है? पैदल चलोगे? चलेंगे। गाइस अब हम लोग आए रेस्ट करने, ये हमारा रूम है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये डले हुए हैं लोग, कुछ लोग नहा रहे हैं, कुछ लोग अंदर हैं, कुछ लोग ये देखो ये क्या कर रहे हैं, कुछ लोग ये देखो भाई क्या हो रहा है, ये देखो भाई साहब आराम फरमा रहे हैं। जय श्री श्याम। काफी अच्छा व्यू है, बहुत अच्छी सुविधा है। हाँ बाबा के यहाँ आना, 5-star कैटेगरी के रूम से ये देखना बाबा का। आप फैसिलिटी देख सकते हैं आप, और आगे हमारे भाई साहब से सुनिएगा। अब हम लोग जाएंगे बाबा के साथ, काफी चीजें चल रही थी दिमाग में, कहाँ रुकेंगे क्या करेंगे, ओनली 50 rupees में। देखिए भाई लोग, ओनली 50 rupees में आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, रूम बाथरूम। जब भी आप घाटू से हम आए रिंगस से पैदल करने का मूड हो तो इस जगह पर जरूर आए, लेकिन खाने की उत्तम व्यवस्था, पास में होटल है वहाँ मिल जाएगा आपको, बस यहाँ पे नहाना धोना और रेस्ट करना, कुछ टाइम आप रेस्ट कर सकते हैं। कितना प्यारा व्यू लग रहा है आप देख सकते हैं भाई, बोलो जय श्री श्याम। यहाँ से हम लोग अभी काफी भीड़ है, यहाँ से बाबा का झंडा लेके अब हम लोग पैदल यात्रा निकलेंगे, 18 किलोमीटर की यात्रा है, तपिश बहुत है, राजस्थान की गर्मी उलाला। बाबा से मिलने की जितनी कली, अब हम लोग नहाते हैं, बाबा से मिलने की जितनी कशिश है उससे ज्यादा यहाँ की तपिश है। बंस मोर जितनी यहाँ की तपिश है उससे ज्यादा बाबा से मिलने की कशिश है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। चलिए तो अब हम बताते हैं अपने रास्ते का हाल, 18 किलोमीटर की यात्रा में क्या क्या होता है। जल्दी चलो, तैयार हो जाओ, अपन को जल्दी निकलना है, लेट हो चुके हैं। ये देखो अभी भी सो ही रहे हैं, उनको पसंद नहीं है सोने से, ये नहीं के निकलना है, थोड़ा जल्दी निकले। ये देखो ये भी नहीं हो रहा था यार, ये देखो ये पड़े हुए, ये एक की तो नींद ही लग गई है, देखिए ये देखिए ये सो ही रहा है अभी भी। भैया जल्दी निकलना है उनको, जल्दी भाई 5 मिनट में बस तैयार है यार बाहर अपनी। ये देखो रेडी हो चुके हैं, नहा लिया, अब जाएंगे बाबा की यात्रा पे, 18 किलोमीटर की यात्रा है बाबा की। बोलो जय श्री श्याम। ये आप आगे देख स्टे कर सकते हैं, रंगत से आके ये पुलिया के नीचे से देख लोगे ना, व्यवस्था देख सकते हैं। ओनली 50 rupees में आपको 5-star होटल की फैसिलिटी मिलेगी यहाँ पे भाई, ओनली 50 rupees में। ये देखिए ये दुकान है भैया की, चले फिर बाबा की नगरी, हो जाए तैयार, आ जरा। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थाने ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। तेरा जादू खाटू वाले ऐसा सर पे जा गया, तेरा जादू खाटू वाले ऐसा सर पे जा गया, मैं फिर से
फिर से खाटू आ गया, मैं फिर से खाटू आ गया। तेरा जादू खाटू वाले ऐसा सर पे छा गया, तेरा जादू खाटू वाले ऐसा सर पे छा गया। मैं फिर से खाटू आ गया, मैं फिर से खाटू आ गया। पैदल चलने पर राजस्थान में ये देखिए बारिश होने लगी। दस मिनट का ब्रेक मिला बारिश के कारण, 10 मिनट के बाद यात्रा फिर शुरू करेंगे। भोपाल से तो जैसे कि इन लोगों ने बोला था कि रिंगस पे बाबा लेने आएंगे, तो बाबा लेने तो आए थे, लेकिन हुआ ये कि हम लोग को लगी थी भूख, हम एक रेस्टोरेंट में रुक गए और बाबा चले गए। बारिश होने लगी अभी, अब हम लोग जा रहे थे पैदल, लेकिन हम बस घूम गए। जब जब भी मैं सांवरे थोड़ा उदास हो जाता हूँ, तुझसे मिलने मुरली वाले दौड़ा दौड़ा आता हूँ। फिर से खाटू आ गया, मैं फिर से खाटू आ गया। रिंगस के उस मोड़ पे आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। बाबा की अरे बाबा ने बुलाया है, बाबा ने बुलाया है, बाबा ने बुलाया है, बाबा ने बुलाया है। बोला भोपाल से आया है, बोला भोपाल से आया है, बाबा ने बुलाया है, बाबा ने बुलाया है, बोला भोपाल से आया है, बोला भोपाल से आया है। बुलाया
तो फाइनली गाइस हम लोग 18 किलोमीटर पैदल चलने के बाद बाबा के द्वार में पहुंच चुके हैं। ये देखिए बाबा का तोरण द्वार, जहां से सबकी एंट्री होती है। जय श्री श्री श्याम। देखे ताज और कुतुब मीनार, उनसे पढ़कर तोरण द्वार। देखे ताज और कुतुब मीनार, उनसे पढ़कर तोरण द्वार। खाटू जैसा ना देखा कोई हमने इस तरह। हम लोग 6 घंटे पैदल चलने के बाद, 18 घंटे पैदल चलने के बाद बाबा के द्वार में पहुंच चुके हैं। ये रहा बाबा का तोरण द्वार। दीवाने मुझे दीवाने मुझे दीवाने मुझे ले चल खाटू धाम। ये हमारी टोली है जो भोपाल से आई है। जय श्री श्याम। ये भोपाल की टोली है, भोपाल की टोली बोलो जय श्री श्याम। और जब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं तो उसके घर पे कीर्तन होता है। और बाबा की नगरी खाटू श्याम, ऐसे ही किसी एक भगत की नहीं, हर भगत के दिल की ख्वाहिश होती है कि वो भी अपने घर पर कीर्तन करवाए। और क्या क्या लाभ याद आना चाहता है, आइए जरा सुनते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हारे का सहारा, हारे का सहारा। बोलो खाटू वाले श्याम की, खाटू वाले श्याम की। बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। लेकिन दुनिया का मात्र एक दरवाजा ऐसा जिसके लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम। जो भी दर पर दर की खुशबू से की खुशबू से छप्पन भोग बनाऊंगा मैं फूलों से बाबा, श्रृंगार कराऊंगा तेरे खातिर सांवरी। बाबा का मंदिर कभी भी ध्यान से देखना, छोटा सा मंदिर है। दुनिया का अकेला सेठ ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर छोटा है मगर ब्रांच ऑफिस सारे बड़े बड़े। अकेला एक। गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री श्याम। सुबह के बज रहे 5, तो अब हम लोग फिर से जा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, बाबा के जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। खाटू वाले श्याम की, खाटू वाले श्याम की, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। चलिए बाबा की नगरी हो जाए भैया। ये बाबा के लिए मैंने दिया है, कभी भी खाटू श्याम आओ तो बाबा को इस रोज पे इत्र लगा बाबा को जरूर चढ़ाना। बाबा श्याम कुछ
कुछ लेके जाओ या ना जाओ, बस बाबा के लिए गुलाब जरूर लेके जाना, गुलाब जरूर लेके जाना, उस पे इत्र जरूर लगाना। ये देखिए बाबा का मंदिर, बाबा का मंदिर तो बहुत छोटा है लेकिन बाबा का ब्रांच ऑफिस बहुत बड़ा है, पूरे ऑल इंडिया में फैला हुआ है बाबा का ब्रांच। हमारा बाबा श्याम हमारा है, गजब मेरे खाटू वाले, गजब अरे खाट निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम। पांच घंटे की लाइन और दर्शन कितनी देर के? 3 सेकंड के, 2 सेकंड का धक्का, चला गए। अपने आप को किस्मत वाला मानना, जो 130 करोड़ लोगों में से आपको बाबा ने चुना है अपने दरबार में बुलाकर। श्री श्याम भाई लोग, तो श्री श्याम कुंड के दर्शन कीजिएगा आप। हमारे पीछे फॉलो मी, ये बाबा का श्याम कुंड है। बाबा के आइए श्याम कुंड में एक बार जरूर आइए, श्याम कुंड में यहाँ के जल में पैर रखने से आपकी जो पीड़ा बाधाएं दुख कष्ट सब दूर हो जाते हैं। जो 18 किलोमीटर आप रंगस से चल के आते हो ना, वो सब पीड़ा दूर हो जाती है श्याम कुंड में। ये देखिए भाई, श्याम कुंड में जाने से सबके पैरों की जो बाधा थी वो सब दूर हो गई बाबा की कृपा से, सबके दर्द दूर हो गए पैरों के। बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो बाबा के कुंड में जाके बताइए आपके पैरों की पीड़ा दूर हुई कि नहीं? बिल्कुल हो गई। बाकी कुंड में जाने से पैरों की पीड़ा दूर हुई कि नहीं? पीड़ा दूर हुई, हो गई। आनंद आ गया, आनंद आ गया। ये देखिए बाबा का प्राचीन मंदिर श्याम कुंड, आपको लाइव दर्शन कराते हैं। ये देखिए श्याम कुंड जाने का रास्ता। पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, काम बनाकर खाटू में तुझको बुलवाएंगे, खाटू में तेरा प्यारे घिसा लग जाएगा, खाटू में तेरा प्यारे घिसा लग जाएगा, झूम झूम कर तू भी प्यारे यही गाएगा। गजब मेरे खाटू वाले, गजब तारे खाट निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। ये रहा बाबा का श्याम कुंड। तो भाई लोग अब हम आए हैं, कहाँ आए हैं, ये क्या है भाई? ये आलू बाबा की समाधि है। बाबा ने यहीं बैठ के समाधि ले दी, तो देखिए वो यहीं पे बैठे हुए हैं अभी भी। ये देखिए,
बालू सिंह बाबा के दर्शन कर लिए हम लोगों ने। ये बालू सिंह बाबा की समाधि है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप कहाँ जाएंगे, कहाँ चलेंगे आप? ये बाबा का मंदिर है कुछ दूरी पर, ये देख सकते हैं आप। और ये लक्स कोजी का ब्रांड है अपनी। आप कहाँ चलेंगे कैप्टन, कहाँ चलेंगे आप? चलेंगे सरासर बालाजी। आप चलेंगे सरासर बालाजी, बालाजी बोलो सरासर बालाजी की। आ रहे हैं हम लोगों ने बाबा श्याम के दर्शन कर लिए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं जयपुर के लिए। और ये कुछ हमारे भाई देख रही थे अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी वाइफ के लिए मंगलसूत्र खरीद रहे हैं। ये देखिए, इसकी शादी नहीं हुई वो भी अगली बुकिंग कर रहे हैं मंगलसूत्र खरीद के। मंगलसूत्र के लिए नहीं है, रिंग के लिए। तुम क्या मांग रहे हो आज, अभी तो बताओ। अरे हमें तो कुछ भी मिल जाए चलेगा। अरे ऐसे कुछ भी मिल जाए। ये देखिए हमारे कैप्टन पता नहीं क्या खरीद रहे हैं। मैं 10 रुपये कम करा रहा हूँ बाबा खाडू से। ऐसा थोड़ी होता है कि 180 मंगलसूत्र नहीं ले रहे। मंगलसूत्र अभी बाबा से जो भी मांगता है बाबा उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। आपकी मनोकामना पूरी, कुछ लोगों की मनोकामना आने के बाद पूरी होती है और कुछ लोगों की मनोकामना आने से पहले ही पूरी हो जाती है। तो बोलो किस किस की मनोकामना पूरी हो गई? कुछ की मनोकामना तो पूरी हो गई। तो देखो चेहरे पे स्माइल देखो। अरे रे आहा, जय श्री श्याम। मेरी तो चैन वाले ने कर दी, चैन वाले ने 30 रुपये के ले तेरे। देखे ताज और कुतुब मीनार, उनसे बढ़कर तोरण द्वार। देखे ताज और कुतुब मीनार, उनसे बढ़कर तोरण द्वार। खाटू जैसा ना देखा कोई हमने इस तार।